वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि कल आपको बताया ही था कि वैक्सीन खत्म हो गया था। तो मैं सच्ची बात बताऊं, बड़े हंसी वाली बात हो चुकी है हमारे साथ, और वो सोच रहे हैं कि मैं ब्लॉग ना, मतलब ब्लॉग में ना दिखाऊं, लेकिन मैं दिखा कर रहूंगी। कल भी हुआ था सेम मिस्टेक, और आज भी उन्होंने फिर से वही मिस्टेक किया। पता है क्या किया? ये देखो, ये दो तरीके के दिख रहे हैं आपको। वाह 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 भाई, क्या बात है। अरे यार, ये पता है तुम लोग की जल्दी जल्दी में होता है ये सब। कैसे? तो कोई जल्दी नहीं थी। अरे जल्दी क्या नहीं थी, मतलब क्या यार, मतलब अलग भी ऐसा वैसा नहीं है, एक ऊंचा वाला है और एक फ्लैट वाला। अब ये जो बहुत अच्छा, मुझे रियलाइज हो रहा था, लेकिन जैसी जब मैं लिफ्ट से बाहर निकला ना, नीचे आया और बाहर देखा, मैं यार मेरा पैर ऊंचा नीचे कैसे लग रहा है। मैं सच्ची बताऊं, जब आप वॉक करोगे तब पता चलेगा कैसा लग रहा है। अरे यार क्या बोलूंगा मैं तेरे को, मुझे तो मजा आ रहा है। जो होना था वो हो गया। ओह, मुझे तो मजा आ रहा है देखकर। हाँ मजा आ रहा है। कल भी अब पता चलेगा, जब आप चलोगे लगेगा एक थोड़ा छोटा और बड़ा, ऐसा लग रहा था, अनकम्फर्ट सा लग रहा है। आपको कब पता चला? पर ठीक है, ऐसा फैशन, जब मैं ऐसे शूज पहन सकता हूँ तो हाँ, वो दो कलर वाले आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट साइज का इसमें है ना पंगा, एक फ्लैट है, एक थोड़ा सा ऊंचा वाला है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और जीविका क्या कहना चाहेंगी आप इस बात पे? और कुछ नहीं, थक के आई है स्कूल से और इसको हम साथ में लेकर आ गए हैं, और ऋषभ यहाँ पर खेल रहे हैं, ऋषभ के भी दर्शन करा ही दूं। फिलहाल देखिए मौसम, पहले देख लीजिए मौसम। अभी थोड़ा सा मुंबई की बारिश थमी हुई है, लेकिन कभी भी हो जाती है ये। आप अगर आप मुंबई से हैं या आप नए नए मुंबई में रहने आए हो, तो ये मत समझना कि आज छतरी मत ले जाना, क्योंकि यहाँ की बारिश कभी भी हो सकती है ना। तो यार ऋषभ चुपचाप बैठा हुआ है, इसको ये नहीं पता बेचारे को कि फिर से आज इंजेक्शन लगने वाला है। कल तो बच गया था, लेकिन आज तेरा क्या होगा कार्य, आज पता नहीं, लेकिन आज तो लगेगा ही। लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है, बट जरूरी है तो इसलिए लगाना जरूरी है ना ऋषभ? ऋषभ क्या हुआ बेटा, कुछ आज तो कैमरा देख ही नहीं रहे हो आप। आज तो आप कैमरा सब कहते हैं, बहुत स्वीट है ऋषभ। हाँ ऋषभ, आज ये बिल्कुल पता चल तो नहीं गया तुम्हें, आज बिल्कुल शांत है क्यों, मालूम है? अब कुछ बोला 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 ऋषभ, बोला ऋषभ। हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो गुरजो। अच्छा, अपने पापा के सीटियों को सुन रहा है, मम्मा की बातों को तो ही सुनता ही नहीं है। और दीदी ने ये क्या पहना है? ये रिंग क्या था आप तुम्हारी उंगलियों में देखूं? बस अब ये ज्वेलर वाली बन गई है, कभी भी पेपर की कोई भी ज्वेलरी बना लेती है ना जीविका। वेरी गुड। तो चलिए बस क्लिनिक पहुंच ही गए हैं, और देखते हैं पहुंचने वाले के सामने ये अभी चार है तो अभी मैं आऊं या थोड़ा टाइम लगेगा? हाँ वैक्सीनेशन वाला ऋषभ, नहीं फिर वहां बैठना ना पड़े ना, क्योंकि कल भी फिर टाइम वेस्ट हो गया था बहुत। तो मैं 15-20 मिनट में आऊं, 25 मिनट में आप मुझे फोन करोगे क्या? हाँ बिल्कुल पास में, 5 मिनट चलेगा चलेगा। ओके अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ वापस चले और खाना खा के आए। हाँ जीविका कह रही है बाहर खाने, मतलब मजाक चल रहा है। तो खाना खा लिया ना अपना। जीविका आज क्या मामा ने दिया था बता दो जरा? भिंडी रोटी और कुकुम्बर। और क्या दिया था? इडली और चटनी। वेरी गुड। कैसा था बेटा? इडली चटनी अच्छा था। और मतलब क्या, भिंडी रोटी अच्छी नहीं थी? भिंडी रोटी भी अच्छी थी। तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है, अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया है। उसके पहले हम कर रहे थे कुछ शूट कर रहे थे, तो वो सरप्राइज है, वो जरूर बताऊंगी जब एक जगह पे पहुंच जाएगा वो काम, तो आप लोग के साथ अचानक से शेयर करेंगे कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आजकल। और ठीक है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि घर पे जाके खाना खा के आए, लेकिन बहुत लेट हो जाएगा, 20 मिनट में कहाँ पॉसिबल है।
घर जाना आना उसमें 10 मिनट जाएगा, है ना? बाहर भी नहीं खा सकते ना, उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। अभी मुझे शक हुआ है, शक, अभी यकीन नहीं है इस बात पे कि माय डियर मिस्टर जतिन इतना जिद क्यों कर रहे हैं कि घर पे जाके खाना खाने का। बात कुछ और लग रही है मुझे, तो बात कुछ और ही लग रही है, सही है ना? अरे क्या लग रही है, कोई और कुछ बात नहीं है। बात ये है कि मुझे लग रहा है कि आपने जो गड़बड़ कर दिया ना, वो स्लीपर्स जो पहने हैं, पता है ना कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कुछ भी पहन के कहीं भी जा सकता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन सोचा जब मौका है तो उसी मौके पे जरा मैं, वी हैव टाइम ना, तो वी कैन हैव लंच ना, देन अपना घर पे जाके, घर वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर है, नहीं दूर बगल में तो है ही, तो क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, चलते हैं जल्दी जल्दी खाना खा लेते, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो मेरे चप्पलों को पूरा हाईलाइट करके मानूंगी, बिल्कुल क्लियर। ये देखिए ये हालात है, और ये लिफ्ट के हालात देखो, लगता है कोई सामान यहाँ पर आया होगा, तो फिलहाल हम घर पहुंचने ही वाले हैं। तो देख कर लग नहीं रहा अभी रो रहा था इंजेक्शन के टाइम। अरे आज बहुत कम रोया है। अच्छा आज मैंने जानकर ऐसा नॉर्मल ब्लॉग बनाया, क्योंकि रोज रूटीन ब्लॉग मतलब एक जैसा करो तो कुछ चेंज नहीं लगता, तो मैंने सोचा आज नॉर्मल ब्लॉग बना लेती हूँ। और ऋषि थोड़ा थोड़ा सा गर्म लग रहा है, क्योंकि पता ही है आज इंजेक्शन लगे इसको, तो थोड़ा अभी डाउन रहेगा। क्या हुआ, क्या हुआ, आप मम्मा को बोलने क्यों नहीं देते? अब इसको ना पता चल गया कि मम्मा को ऐसे बोलकर रोकना है, तो थोड़ा आज चिड़चिड़ भी कर रहा है, और आज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगा, मुझे पता है, क्योंकि जब भी बच्चों को वैक्सीनेशन लगता है तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना ऋषि।
बट ऋषि बहुत अभी बाहर हमारे साथ बैठा था बैल्कनी में, कभी कभी बैल्कनी में, इतना रोज नहीं ले जाते क्योंकि अभी ठंडी हवा चल रही है और छोटा है अभी, तो उस हिसाब से और थोड़ा डर भी लगता है ना, ग्रिल लगा हुआ है तो चोट ना लग जाए, तो इसलिए भी डरते हैं। अपनी दीदी का बैग ले रहा है। नो जीविका, तुमने बॉटल धोने में भी नहीं डाला। सॉरी सॉरी, बस जीविका बिल्कुल भी ना, सार कभी कभी तो लंच बॉक्स भी छोड़ देती है ऐसी। ये देखो अभी मेरी नजर पड़ी है, ये देखो बॉटल ऐसे ही पड़ा हुआ इसका। बेटा आप धोने में तो डाल दिया करो। तो फॉर अ चेंज मैंने आज ऐसा ब्लॉग बनाया, कभी ऐसा बना दूंगी, कभी रूटीन ब्लॉग बना दूंगी, कभी कुछ बना दूंगी, है ना ऋषिक, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा बॉटल चाहिए, लो 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 लो, बस ये ले रहे। तो बस अभी मैं इस ब्लॉग को करूंगी एंड, और मैं मुझे अभी मतलब बाकी चीजें भी है, अभी जब ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ तो अभी जस्ट जो ब्लॉग जाने वाला वो भी एडिट नहीं हुआ है, अभी वो एडिट करके जल्दी से मुझे डालना है टाइम पे, और उसके बाद फिर जो होता है नॉर्मल पूजा वगैरह करूंगी घर का, बाकी काम, मेरा काम तो शायद कभी रुकता ही नहीं है, ये काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है, तो काम का तो मैं क्या लिस्ट बनाऊँ कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, वो आप देख ही रहे हो आंखों से। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कमेंट करें, है ना ऋषे? ऋषे चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 बाय, अपने बदमाशी में लगा हुआ, बाय बाय, चलो फिर मिलोगे, बाय ऋषे, बाय कर दो। Bye.